मेरे को प्रॉब्लम लगती थी कि नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट लगवाने के बाद में भी मेरे को क्या लग रहा है, क्या फायदा कर लिया लगवा के, क्योंकि नंबर प्लेट तो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे इतनी ज्यादा मिट्टी हो रखी है कि दूर से अगर हम लोग देखें तो बाइक हमारी ना बिल्कुल ऐसे लग रही है, न्यू कंडीशन में लग रही है। बाकी अगर थोड़ा सा हम लोग पास हो जाते हैं इसके तो धीरे धीरे करके हमें इसके स्क्रैच वगैरह जो डेंट वगैरह है वो प्रॉपर सामने देखने को मिलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो ना पप्पी, ये पार्टी का ऐसा काम है कि भाई इन दोनों का हम जब भी घर पर जाते ना तो इनका डेली का काम है पार्टी, इनको भोंकना ही भोंकना है। अभी नॉर्मल मानो, ये देखो तो बाहर क्या हुआ, हम दुकान पे जा रहे तुम क्या जा रहे स्कूल। अब ये कि हम लोग अगर वीडियो शूट करने के लिए जाए तो कौन से वाले ट्रैक पे जाए, अपना हाईवे वाला ट्रैक है उस वाले ट्रैक पे भी कहीं ना कहीं पर भी काम शुरू हो जाए, क्योंकि भाई कहीं कहीं पर डैमेज वो भी हो चुका है। मेरे को ये नहीं पता है कि 20 दिन से लगभग मान के चलो कि मैंने अभी उससे चैन को ल्यूब नहीं किया है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये थी कि भाई जैसे चैन को ल्यूब करते हैं कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी हम लोग कीकर के रास्ते से निकलना पड़ता है। देखो ये देखो क्या करोगे, लो गाइस दिस इज अनु ब्लॉग। तो भाई फाइनली आज वाले ब्लॉग को भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट अपने गांव की मोड़ से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई हर ब्लॉग हम स्टार्ट अपना करते हैं अपने वाले रोड से। कल रात भाई फिर से पूरे दिन ऐसे बारिश हो रही थी ना, पूरे दिन बारिश ना बाइक हमारी बिकती रही थी, जिसकी वजह से भाई बाइक में पता नहीं भाई चैन में तो हमने ल्यूब पता नहीं 15 दिन हो चुके हैं 20 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मेरे को खुद ही नहीं कंफर्म। मेरे को ये नहीं पता है कि 20 दिन से लगभग मान के चलो कि मैंने अभी उससे चैन को ल्यूब नहीं किया है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये थी कि भाई जैसे चैन को ल्यूब करते हैं कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी हम लोग कीचड़ के रास्ते से निकलना पड़ता है, तो इसलिए हमने अपनी चैन में ना बिल्कुल भी ल्यूब नहीं किया। अभी एक बार ना प्रॉपर चेक करा देते हैं। तो भाई ये बाइक की कंडीशन हमारी चेक करो ना, कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। और ये देखो रात में हम लोग आए थे ना तो ये देखो यहाँ मिट्टी पहुंच गई थी, बट नंबर प्लेट हमने यहाँ लगवाई भी थी लेकिन उससे कोई भी हमें फायदा नहीं मिला। और भाई मैं बता दूं कि जो लोग बाइक यूज कर रहे थे उनके लिए बता दूं कि ये वाला अगर जिसकी बाइक पे मडगार्ड लगा हुआ है ना तो ये वाला मडगार्ड बिल्कुल भी मत निकालना। ये देखो चैन की कंडीशन, ये काली काली हो रखी है ना, ये देखो अभी इसको अगर हम लोग नॉर्मल निकालें तो ऐसे करके निकलेगी। बाकी ये इधर की साइड में नीचे की साइड में प्रॉपर चेक करो, और रिम वगैरह है व्हील वगैरह है जो भी है ना भाई इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं भाई बता नहीं सकता आपके लिए। हर ब्लॉग में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जब भी बाइक आप राइड करो ना तो बिना हेलमेट या सेफ्टी गियर्स के भी यूज मत करो, क्योंकि आपको पता है बाइक गिरने के बाद में ना ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो क्रेश होते हैं ना वो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, आप मेरे को जानते हो भाई किस किस जगह पे क्रेश हुआ था, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है कि बता नहीं सकता आपके लिए। दूर से अगर हम लोग देखें तो बाइक हमारी ना बिल्कुल ऐसे लग रही है, न्यू कंडीशन में लग रही है। बाकी अगर थोड़ा सा हम लोग पास में जाते हैं इसके तो धीरे धीरे करके हमें इसके स्क्रैच वगैरह जो डेंट वगैरह है वो प्रॉपर सामने देखने को मिलते हैं। तो भाई ये देखो इसका, ये वाला मैंने पहले दिखा था ये टूट चुका था, बाकी इसका जो साइड का सपोर्ट था वो भी टूट चुका था। तो मैंने एक प्लान बनाया था कि भाई ये वाला लाइट को हम लोग यहाँ से हटा के और इसके अंदर एक एलईडी इंस्टॉल करा देते हैं, लगभग मिनिमम मान के चलो कि 2-3 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, बट भाई ये लाइट 14 हज़ार रुपए की है तो इसको हम लोग नहीं करवाएंगे। सबसे जरूरी मैं जो चीजें बताता हूँ भाई हर बार आपके लिए बता दूं कि भाई अगर आपकी एज 18 साल से कम है ना तो भाई बिल्कुल बाइक को राइड मत करो, क्योंकि आपको पता है कि 18 साल से कम के लिए भाई गवर्नमेंट भी हमारी जो है रूल के खिलाफ उसको बोलती है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल पैसे करते तो कोई बात नहीं, बट 18 साल से कम के अगर आप पकड़े जाते हो तो भाई आपकी बाइक का भी चालान होगा, बाइक भी सीज हो सकती है, बाकी आपके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है या आपके पेरेंट्स के खिलाफ भी हो सकता है। इधर देखो ये देखो क्या करोगे, एक एक लो कर लो, हाँ अब ले लो। चोट है ना लगी हुई बाद में, सही जा कर रहे तुम लोग घूमने के लिए, सही घूम लो। बाकी अपने देखो छोटे छोटे जो सब्सक्राइबर लोग मिल गए थे, बाकी रास्ते में भाई ऐसे छोटे छोटे भाई लोग अपने मिलते रहते ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर मान के चलो तो कुछ बड़े लोग होते हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वीडियो की तरफ, बट छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ध्यान देते हैं। और ठीक हो ये देखो छोटे छोटे भाई लोग अपने ना मिलते हैं ये रोड पे, भाई मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा तभी लगता है जब छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना, तभी ये ब्लॉग का स्टार्ट भाई जब भी मैं करता हूँ यहीं से करता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। और अभी नॉर्मल मानो, ये देखो तो बाय क्या हुआ, हम दुकान पे जा रहे हैं तुम क्या जा रहे स्कूल, ये देखो ये फोन हमारा 80 हज़ार रुपये का, स्कूल में आते हो उस वाले स्कूल में या पीछे वाले में अंदर वाले में, सही हो गया बाद में लेने तुम्हें, सही है आए बेटा दोपहर को शाम में। ये वाला जो आप
देख रहे हो ना पप्पी, ये पर डे का ऐसा काम है कि भाई इन दोनों का कि हम जब भी घर पे जाते ना तो इनका डेली का काम है, पर डे इनको भोंकना ही भोंकना है, बट ये पोस्ट इनकी बेकार चली जाती है कि जब इधर से निकलते हो कुछ लोगों के रिएक्शन वगैरह भी होते हैं जो जैसे देखो ये हमारे ताऊ लोग हैं और भैया भी हैं, तो बाकी इन लोगों का रिएक्शन वगैरह जो है, बाकी इधर की साइड में ये वाला मंदिर का काम बस फटाफट स्टार्ट होने वाला है क्योंकि ये वाला ट्रैक है ना यहाँ से जो निकलेगा ना, तो इसलिए दिक्कत यहाँ पे कि बारिश के चक्कर में पूरा प्लांट का काम ना अभी रुका पड़ा है, बट हाँ जल्दी शुरू होने वाला है। और बाकी भाई अभी हम लोग चल रहे हैं अपने नवादा वाले रोड पे, और ये वाला ट्रैक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला ट्रैक जो है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि भाई बारिश की वजह से अब की बार ऐसा हुआ था कि ऐसा कोई रोड नहीं बचा था जो टूट नहीं गया था, और जैसे जैसे हमारा हाईवे कम्प्लीट होता जाएगा वैसे वैसे करके इस वाले रोड पे ना दुकानें हैं या फिर और भी मतलब बहुत सी चीज़ें जैसे दुकानें होती हैं या फिर गोदाम वगैरह हैं तो वो इस वाले रोड पे तो बनने हैं क्योंकि मेन रोड पे इतनी जगह कहीं पे है ही नहीं जो वहाँ पे दुकानें वगैरह हैं या फिर गोदाम वगैरह बन पाए। अब ये देखो बारिश में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है हमारे लिए, ये है कि मडगार्ड नहीं है बाइक में, एक तो भाई बाइक है ना चौथे गियर में, बाइक की मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो बारिश की वजह से भाई ये है प्रॉब्लम, जितनी मिट्टी आएगी सब ऊपर आएगी। गाइस सिंपल सी बात मैं बता दूं कि सबसे पहले जो हम लोग वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी तो वो हमने अपनी इसी रोड पे की थी क्योंकि ये वाला रोड पहले ऐसा था कि क्लियर था, बाकी जो हमारा खुदागंज से भाई बीसलपुर का या फिर कटरा वाला रोड था वो वाला इतना क्लियर नहीं था, और इससे पहले जो भी मैं बाइक स्टैंड से रिलेटेड वीडियो डालता था वो भाई उस पर रिस्पॉन्स जो था अच्छा था, बट भाई अपने ड्यूब के आने के बाद में हमने सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करेंगे, और मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के चक्कर में धीरे धीरे करके हमारे चैनल की ऐसी तैसी हो गई थी, बट भाई मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का फिर से अगर सपोर्ट रहा तो जो हमारी ऑडियंस है हमारे सब्सक्राइबर है तो वो भाई लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा ना तो सिंपल सी बात है मैं अपने अकाउंट को फिर से वही रीच देके आऊँगा जो पहले मैं चल रही थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे लिए इन बाइकों में जाते इसलिए है क्योंकि भाई मैंने मडगार्ड निकाल दिया, बारिश में ऐसी बारिश में अगर बाइक लेके निकले ना तो मिट्टी होती है ना दिक्कत करती है, बाकी अगर मडगार्ड वगैरह का दिक्कत ये है मडगार्ड तो भी पूरा रेडी रखा हुआ है, लेकिन मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि स्टंट वगैरह करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टंट से लिए मडगार्ड को कोई वर्क ही नहीं है, दिक्कत मोटो ब्लॉगिंग में है अगर हम लोग बाहर की राइड करते हैं तो उसमें ये होता है कि मिट्टी वगैरह जितनी भी होती है ना वो सारी मिट्टी जो हम लोग पीछे बैठते हैं बैग वगैरह होते हैं तो उस पर आती है, तो इसलिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। बाकी बारिश अभी इतनी हो चुकी है धीरे धीरे मैं दिखाऊँ तो अभी प्रॉपर चेक करना। बाकी अभी हम लोग खड़े हैं नवादा वाले रोड पे, बाकी अपने साथ में अपने राजन भाई आए हुए हैं, और दिक्कत ये है ना सबसे बड़ी कि भाई रोड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे आगे आ रही है जिसकी वजह से हम लोग मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे, बट क्योंकि हमारी डिमांड रहती है कि भाई हम लोग बाहर जाएं बाहर की साइड से मोटो ब्लॉगिंग करें, तो भाई आप थोड़ा सा वेट करो, बाकी अभी हमारी चोट वगैरह ना प्रॉपर जब तक सही नहीं हो जाती तब तक भाई मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, आपको पता कि हाफ में ज़्यादातर मेरे को या फिर शॉर्ट में घूमना पड़ता है, बट उसके लिए हमें क्या होगा फुल पहनना पड़ेगा, फुल में ये होगा भाई हमारी जितनी भी चोट है ना उन पे अगर फुल होगी तो रगड़ आएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा ना फिर से वो चोट जो है ना चोट लगी हुई फिर से जख्म उभर आएगा। अभी इधर का मौसम चेक करो, बाकी ये रहा बैकग्राउंड हमारा, जबकि इधर की साइड में पूरी घास ही घास है, बट बाइक की कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, ये देखो इतनी भयंकर हुई थी ना कि रोड कहीं का बचा ही नहीं था, जिस साइड में रोड से मतलब ऊपर पानी निकला था दूर पूरा डैमेज होना था, ये वाला ट्रैक जो था इधर की साइड में प्रॉपर दिखाऊँ ये वाला रोड पूरा ये मान के चलो देखो पानी जहाँ जहाँ पर भरा हुआ है आपको पता है देखो पानी हर जगह से जाके ना कमजोरी डाल देता है, चाहे वो हमारी दीवार हो या फिर रोड हो कुछ भी हो तो हर जगह पर कमजोरी आ जाती है, तो भाई यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा रोड डैमेज हो चुका है क्योंकि भाई वहाँ का रास्ता पूरा जब था पानी पानी, ये वाला पानी पूरा रोड के ऊपर चल रहा था और इधर साइड में पानी था जिसकी वजह से रोड में पूरा खत्म हो गया। ये है कि हम लोग अगर वीडियो शूट करने के लिए जाए तो कौन से वाले ट्रैक पे जाए, अपना हाईवे वाला ट्रैक है उस वाले ट्रैक पे भी कहीं ना कहीं पर भी काम शुरू हो जाए क्योंकि भाई कहीं कहीं पर डैमेज वो भी हो चुका है, तो हम लोग काफी सोच में है कि भाई रोड वीडियो शूट करने के लिए कहाँ पे जाए, तो भाई हम लोग प्लान बना रहे हैं कि या तो बरेली के लिए देखेंगे या फिर शाहजहांपुर के, जहाँ भी मेरे को सही लगे हम लोग उस वाले ट्रैक को कवर करेंगे। अगर नॉर्मल बात करें तो भाई 15 अगस्त आ रही है और 15 अगस्त को हमारी जो रैली होगी वो होगी शायद बरेली से रामपुर के लिए, तो उस वाले ग्रुप को मेरे को ज्वाइन करना है क्योंकि अपने भाई लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ भाई लोग जो मिलना चाहते हैं मेरे से, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि भाई 15 अगस्त को मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ में आ रहा हूँ क्योंकि भाई दिक्कत ये होती है कि अगर मैं वहाँ नहीं आऊँगा तो भाई जो हमारे भाई लोग हैं वो मेरे से मिल नहीं पाएंगे, आपको पता है कि हर कोई बंदा होता है दूर से इतनी दूर नहीं आ पाता है, बट भाई मेरे पास में बाइक है मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, और मेरे को फिर से ऐसा लग रहा है कि देखो बारिश का मौसम है ना, ये देखो ये ऐसा हो रखा है कि भाई फिर से लग रहा है मेरे को बारिश होने वाली है, और होने वाली क्या समझो स्टार्ट ही होने वाली क्योंकि मौसम है ना हर जगह से मूड बना चुका है अपना बरसने।
वेट नहीं कराऊंगा और 15 अगस्त को आपसे मिलूंगा। आप बरेली से जहां पे भी लोकेशन होगी, बरेली से हमारी जो रैली की स्टार्टिंग होगी वो हम लोगों को अभी तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को नहीं पता है, वो कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ग्रुप की लोकेशन हमारे पास में आ जाएगी। और बाकी भाई आपका वहां से लेके और रामपुर तक की राइड होगी मेरे हिसाब से जो अभी पिछली बार की तरह हुई थी, बट भाई इस बार आपका भाई आपको बरेली टू रामपुर में किसी जगह भी आप जहाँ चाहो वहाँ पर मेरे को मिल सकते हो। बाकी रैली के बीच में मैं नहीं रुक पाऊंगा, आपको पता है कि भाई प्रॉब्लम होती है ना जब रैली हमारे साथ में होती है, ग्रुप वाले बंदे जब भी साथ में होते हैं तो हम लोग नहीं रुक पाएंगे। मेरे को प्रॉब्लम लगती थी कि नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट लगवाने के बाद में भी मेरे को क्या लग रहा है क्या फायदा कर लिया लगवा के, क्योंकि नंबर प्लेट तो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे इतनी ज्यादा मिट्टी हो रखी है। ठीक है, बाकी टायर की कंडीशन हमारी ग्रिप है ना पूरी खत्म हो चुकी है और जितने भी काम है भाई ये मैं संडे को रेडी करवा दूंगा, क्योंकि संडे के बाद में सीन हमारा ये रहेगा कि हम लोग मंडे को जाएंगे कावर लेने के लिए, तो भाई बाइक के साथ में ही जाना होगा इस बार। और बाकी हल्की हल्की करके ना बारिश है ना स्टार्ट हो चुकी है जी धीरे से, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से निकलेंगे क्योंकि भाई पता लगा भीग गए तो आपको पता चोट लगी हुई है, तो अगर वो भीग जाएगी फिर और